अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्लावर ड्रॉ करना। रिक्वेस्ट आई थी कि मैं जो वीडियोज़ अपलोड की हूँ उनके मतलब ड्रॉ बताऊँ कि फ़्लावर कैसे बनाऊँ, उनको सिखाऊँ कि किस तरह से बनाना है। तो आज हम फ्लावर बनाना सीखेंगे जो मैंने दो वीडियो अपलोड की उसकी। तो पहले तो मैं इसकी वीडियोस अपलोड करने जा रही, अरे इसकी फ्लावर का ड्राइंग बताऊंगी, इसका इस फ्लावर का ड्राइंग बताऊंगी किस तरह से मैं फ्लावर ड्रॉ की हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमें एक फ्लावर बनाना है, ये जो आप देख रहे हैं एक फ्लावर बनाना है। फिर इसी फ्लावर को जोड़ते हुए हम पूरी बेल बना लेते हैं। तो फ्लावर का सबसे पहला पार्ट जो हमारा होता है वो हम डंठल से स्टार्ट करेंगे, जो फ्लावर की डंठल है उससे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तिरछी लाइन खींचना है इस तरह से घुमाते हुए। फिर उसके बाद हम इसमें हमें वी बना देना है। वी शेप जानते हैं, वी तो आपने पढ़ा ही होगा। तो डंठल इस तरह से बना के उसमें वी शेप दे देना है और उसके बाद हमें इस तरह से बना देना है। इस तरह से बहुत ही सिंपल और ईजी है। इस तरह से बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमें इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाते हुए एक दोनों तरफ का झुकाव देना है। और ये दोनों बनने के बाद बीच में हमें एक लीफ जैसा बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लेना है। तो अभी मैं पेंसिल से बना रही हूँ और अभी इसको पेन से डार्क करके बताऊँगी तो आपको क्लियर समझ आएगा। और इसी तरह से जब भी आप बनाएं पेंसिल से बनाएं ताकि आपके बनाने में आसानी हो, और अगर आपका फ्लावर गलत होता है तो उसको फिर से साफ़ करके आप दोबारा से बना सकें। इसीलिए पेंसिल से पहले बनाते हैं, उसके बाद से अगर आपको तो पेंसिल से बनाएंगे आपके सामने रहेगा तो दिख ही जाएगा, वीडियो में नहीं दिख रहा है, उसके बाद ट्रेस पेपर पर ड्रा करें। ये फ्लावर देख सकते हैं, ये पार्ट मैं बता रही हूँ आपको बनाना। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसमें लीफ बनाएँगे। तो पहले कि हमें तीन पंखुड़ियाँ बनानी है, जो कि पहले दोनों तरफ का झुकाव देना था हमें। फिर उसके बाद हम बीच में पूरी लीफ जैसा आकार देंगे, उसके बाद ऊपर की दो छोटी छोटी पंखुड़ियाँ बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से आपने देखा कि हमने दोनों तरफ से लीफ बनाया और यहाँ पे फिर से इस तरह से बनाएंगे और यहाँ पे कली बना देंगे। ये हो गया हमारा, और इस तरफ भी हम एक लीफ बना देंगे। और ये हमारी जो एक फ्लावर का एक हिस्सा है वो रेडी हो चुका है। अब इसी को हम ज्वाइन करते हुए पूरा बेल बना लेते हैं। और बेल कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसका झुकाव तो एक तरफ है और लेकिन जो पिलो कवर में बना है उसका झुकाव दोनों तरफ है, तो उसको भी कैसे बनाना है ये भी मैं बताती हूँ आपको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा डार्क करके दिखा दूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ये देखिए इस तरह से, शायद अभी भी नहीं दिख रहा होगा आपको, तो अभी मैं पेन से भी बना के दिखा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से बना है। डिज़ाइन सेम वही बनी है, सिर्फ थोड़ी सी जो फ्लावर है थोड़ा सा बड़ा बना है, बहुत हल्का सा। तो कोई बात नहीं, आप बड़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर बेडशीट वगैरह पर बनाना है तो आप बड़ा भी कर सकते हैं, दस्तरखान पर बनाना है तो भी बड़ा कर सकते हैं। तो हम आपको इसको पेन से करके दिखाते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डिज़ाइन आपको अच्छे से दिखे। तो मैं बताती हूँ, पहले हमारा ये चीज़ हम बनाएंगे, पहले इस तरह से डंटर नीचे की बनाएंगे, वी से यहाँ पे बनाएंगे और इस तरह से छोटी छोटी जो इसमें पत्तियाँ बना देंगे। उसके बाद ये बीच वाला हिस्सा भी आप बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो पहले, नहीं तो फिर ये साइड वाला पहले दोनों तरफ का झुकाव बना लें उसके बाद बीच का हिस्सा बनाएँ। ये बनाने के बाद जो पीछे की दो पंखुड़ियाँ हैं उसे बनाएंगे इस तरह से। ये हमारी जो फ्लावर हमारा है वो रेडी हो चुका है, अब हमें नीचे का पार्ट बनाना है। ये देखिए आप, इस तरह से लीफ बनाएंगे हम दोनों तरफ हम लीफ बनाएंगे। और ये ऊपर हमने लीफ के ऊपर कली बनाई है, उसको बनाएंगे। और ये हमारी दोनों तरफ की लीफ हो गई, यहाँ पर ये दोनों तरफ की लीफ हो गई और लीफ के ऊपर भी हम इधर एक लीफ बनाएंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हुई।
अब मैं आपको इसको ट्रेस पेपर पे कैसे हम इसकी बेल बना सकते हैं। अगर आप दो फ्लावर इस तरह का बना लेंगे अपने ट्रेस पेपर पे तो भी आपके लिए बहुत है। उसको स्टेप बाय स्टेप रख के आप डिज़ाइन को पूरा कर सकते हैं। तीन बनाएंगे तो आपको उसमें ज्वाइन करने में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका इस तरह का दो फ्लावर है, एक इस साइड का और एक इस साइड का, दोनों तरफ के झुकाव का आपके पास दो बेल बन जाएगी तो आपका आसानी से डिज़ाइन आप जो भी ड्रा करना चाहेंगे ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रेस पेपर लिया है, उसको रखा है और इस तरह से डिज़ाइन जो हमारी है क्लियर दिख रही है। तो उसको पेन की मदद से हम उतार लेंगे। अगर आपको पेन से नहीं समझ में आता तो आप स्केच ले लें, उससे उतारें। इस तरह से डिज़ाइन उतार लेंगे। ट्रेस पेपर थोड़ा चिकनाई है, इसके लिए हमारी जो पेन है वो चल नहीं रही है अच्छे से। फिर भी मैं आपको इसी से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जैसे हमारे जो हमने नीचे डिज़ाइन बनाई है उसको उतार लेंगे, इस तरह से दिखेगी। और डिज़ाइन के ऊपर भी हम ऊपर ही पेन इस तरह से चलाएंगे और डिज़ाइन को उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, मैंने इसमें दो डिज़ाइन बताई है आपको बनाना। इंशाल्लाह आपको अच्छी सी बेल अपने खुद से आप बना पाएंगे। अगर मेरी इस वीडियो को अगर आप देखते हैं पूरा तो आप बेल को अच्छे से बना लेंगे। इंशाल्लाह आपको भी अच्छे से फ्लावर बनाना आ जाएगा, क्योंकि मैंने ये छोटे छोटे बूटे जो आपको सिखाए हैं इंशाल्लाह आप एक दिन में ही सीख जाएंगे इसको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे हमारी डिज़ाइन आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसके ऊपर का स्टेप बनाना है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से नहीं बनाना है, इस तरह से नहीं बनाना है। ट्रेस पेपर को उठाना है और पलट देना है। यहाँ पे आप देखिए इस तरह से, अब फ्लावर का झुकाव, हमारा ट्रेस पेपर उलट, मतलब हमने दूसरी तरफ घुमा दिया है तो हमारा फ्लावर का झुकाव दूसरी तरफ हो गया। तो अभी मैं आपको बेल बनाने के बाद दिखा रही हूँ किस तरह से हमारे फ्लावर का झुकाव दोनों तरफ है, और इस तरह से हमारी अच्छी सी बेल तैयार हो जाती है। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बेल रेडी है इस तरह से। अगर आप स्केच लेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर दिखेगा, पेन से भी दिखेगा। आप अगर रेड कलर की पेन यूज़ करते हैं, जेल पेन, तो उससे भी आपका जो है डार्क दिखेगा। तो चलिए मैं आपको एक और डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पेंटिंग भी मैंने ब्लैक कलर के कपड़े पर यूज़ की है। ये सूट डिज़ाइन के लिए मैंने बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको दस्तरखान पे भी बना सकते हैं। इस डिज़ाइन को भी बनाना मैं बताऊंगी। फ्लावर बहुत आसानी से आप ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फ्लावर ड्रा करना बताती हूँ। तो बहुत ही सिंपल और इजी है इसे बनाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम इस तरह से यू शेप देंगे, थोड़ा सा लाइटली डिप करेंगे, ज़्यादा डिप नहीं करना है हमें, गहराई ज़्यादा नहीं देनी, हल्का सी गहराई देनी इसमें, यू शेप में बनाना है। और इस तरह से ऊपर की तरफ से इस तरह से पत्ती शेप दे देना है, उसको पत्ती बना देना है, पत्ती के आकार में बनाना है। और इस तरह से आप देख सकते हैं, फिर हमने उसमें छोटा सा पंखुड़ी बना दिए बीच में पहले, फिर उसके बाद यहाँ साइड से हमें इस तरह से छोटी छोटी पंखुड़ियाँ बनानी है। ये हमारा हो गया। और ये ऊपर से आप देख सकते हैं इस तरह से हमें थ्री कटिंग रहेगी हमारी इसकी, और इस तरह से हमारे ऊपर का जो शेप है तैयार हो गया। ठीक, अब हमें नीचे वाला बनाना है। तो हमें क्या करना है, बस इस तरह से ले जाना है और इस तरह से ला के मिला देना है। दूसरी तरफ का भी हमें इस तरह से, और इस तरह से घुमाते हुए लाके यहाँ पे मिला देना है। बीच में हमें फिर से वही पंखुड़ियाँ बनानी जो हमने ऊपर बनाई हुई है इस तरह से, और लेकिन हमारी उसमें दो ही कटिंग रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इस साइड की थोड़ी छोटी हो गई है, तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि बराबर रहेगा तो फ्लावर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर आप शॉर्पनर मतलब ले कर बैठे, उसको अच्छे से इरेजर
लेके बैठे उसको अच्छे से साफ़ कर लें। जब भी इसीलिए मैं पेंसिल से बनाती हूँ ताकि कहीं भी गलत हो तो उसको साफ़ करके फिर से दोबारा से डिज़ाइन बनाई जा सके। तो इसमें पहले फ्लावर बनाएंगे, उसके बाद डंठल बनाएंगे। डंठल बनाने के बाद हम इसमें लीफ और जो हमारी कली है उसको ज्वाइन करेंगे। पहले यहाँ पे हमने एक बड़ी लीफ बना देनी है, जो सबसे बड़ी लीफ थी हमारी इसमें वो बनानी है इस तरह से। तो ये हमारी लीफ हो गई इस तरह से। और उसके बाद हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अब हमें इस साइड भी बनाना है, वो भी मैं बताती हूँ आपको। एक डंठल हमने यहाँ पे ला के छोड़ी, और अब इसमें हम इस तरह से छोटी छोटी तीन पत्तियाँ बनाएंगे और इस तरह से ला के मिला देंगे। अब इसमें हम छोटी सी कली बना देंगे। तो ये हमारे फ्लावर का ए में एक कली ज्वाइंट हो गई। यहाँ पे हमारी दो कलियाँ रहेंगी, दो से तीन, आप जितनी भी कलियाँ रखना चाहें रख सकते हैं। आप अगर फ्लावर को लंबा बनाना चाहते हैं, लंबे आकार में बनाना चाहते हैं, तो उसमें और भी कली ज्वाइन कर सकते हैं। तो कली बनाना आपने सीख लिया। अब इसमें हम एक छोटी लीफ नीचे बना देते हैं, एक लीफ हमारी हो गई, और इधर भी हम एक कली बनाएंगे इस तरह से। छोटी छोटी पत्तियाँ तीन बनाएंगे नीचे का पार्ट, और इस तरह से उसमें इस तरह से कली ऐड कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। और अभी हम इसमें एक और लीफ छोटी सी ऐड कर देते हैं, फ्लावर हमारा बिल्कुल भरा भरा सा दिखने लगेगा। और बस इसी को जिस तरह से हमने उस ड्रेस पेपर को बनाया है उसी तरह से सेम इसे भी बनाना है। इस डिज़ाइन को आप पेंसिल से बनाएंगे, फिर उसके बाद टिशू पेपर पे बनाएंगे, उसके बाद अगर आप चाहें तो उसमें टिशू पेपर में होल करके मिट्टी के तेल नील के ज़रिए भी उतार सकते हैं। अगर चाहें आप तो कार्बन के ज़रिए भी कपड़े पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रेस पेपर पे हम उतारेंगे इस तरह से। पेन भी ढंग से चल नहीं रही है, रुक रुक के चल रही है काफ़ी। और टिश्यू पेपर बहुत सिल्की टाइप का है, इसके लिए इस पर जो है पेन हमारी चल नहीं रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही है, तो मैं उसी से बना रही हूँ। यहाँ पे स्केच का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्केच से इस तरह से कलर जो मतलब लाइनिंग है वो फंसने का डर नहीं रहता, वो आराम से क्लियर आती है हमारी आउटलाइनिंग। पेन वगैरह है जो रुक रुक के चलती है। तो इस तरह से हम पहले टिश्यू पेपर पे उसको उतारेंगे। सेम वही प्रोसेस करना है फ्रेंड्स जो मैंने फर्स्ट फ्लावर में बनाया था। और जिस तरह से आप डिज़ाइन जिस तरह की होगी उसी हिसाब से हमें बनाना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको फ्लावर बनाना आ गया होगा, और इस तरह से आप भी खूबसूरत बेल बना पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो, अगर आपको फ्लावर बनाना समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि मेरी वीडियो कैसे बनी है और आपको समझ आया कि नहीं आया। तो फ्रेंड्स ताकि हमारा भी मन करे कि आपके लिए मैं और भी डिज़ाइन बनाते रहूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा अपना प्यार देंगे तो मैं और मेरा और भी दिल करेगा कि मैं आपके लिए और भी डिज़ाइनें बनाऊं और YouTube पे अपलोड करूं। आपको अच्छा लगता है अगर आप मुझसे कुछ सीखते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझसे आप लोग सीखेंगे, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो तारीफ़ करते नहीं थकते, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मुझसे कुछ सीख रहे हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप सब मुझसे सीखते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, दिल से थैंक यू आपको। तो फ्रेंड्स अगर आप इन दोनों ड्राइंग की पेंटिंग देखना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। दोनों की पेंटिंग अपलोड हो चुकी है, आप दोनों ही डिज़ाइन यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि वीडियो कैसी बनी है। फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।